अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के बेसिक ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इंटरप्रेट फुटेज के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन बनाते हैं। यहां से मैं यहां पे इसका फ्रेम रेट ये है 23.967 और यहाँ पे 5 सेकेंड है, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये एक सीक्वेंस इंपोर्ट करता हूँ जो कि मैंने सिनेमा 4D में रेंडर किया हुआ है। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस आप जब भी इंपोर्ट करें तो यहाँ पे ये ज़रूर देखें कि ये सीक्वेंस का ऑप्शन टिक मार्क हो। मैंने अभी टिफ सीक्वेंस जो है टिफ फॉर्मेट में रेंडर किया है, तो इस वजह से यहाँ पे टिफ सीक्वेंस लिखा हुआ है। आप जो भी रेंडर करेंगे PNG, PSD या JPG जो भी होगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस टिक होना चाहिए, उसके बाद इंपोर्ट करें और फिर ओके। अब यहाँ पे देखें कि ये कंपोजिशन का जो फ्रेम रेट है वो है 23.976 फ्रेम पर सेकेंड, और जो हमने सीक्वेंस इंपोर्ट किया है उसका है फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड, जो कि मतलब चेंज है। तो अगर मैं अब इसको सीक्वेंस को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ टाइमलाइन पे, तो अब देखें कि इसका ये फ्रेम रेट मैच कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये ऑप्शन है इंटरप्रेट फुटेज, इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट पैनल पे, जो भी सीक्वेंस हो या जो भी फुटेज हो, राइट क्लिक किया यहाँ पे इंटरप्रेट फुटेज और यहाँ पे मेन, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट और जी है। यहाँ पे अब आए यहाँ पे देखें कि ये 30 फ्रेम पर सेकेंड है, तो इसे करते हैं 23.976। ओके किया। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये जो इसकी टाइमिंग बढ़ गई है यहाँ पे लेयर जो है सीक्वेंस का, तो अब यहाँ पे ये जो कर्सर है इसके ये जो कर्सर चेंज हो गया, अब मैं क्लिक करके इसे फुल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें कि मैं इसे जूम करता हूँ 100%, यहाँ पे मैं और भी जूम करता हूँ 200%। यहाँ पे देखें कि इस पे ये जो है एक लाइटिंग दी हुई है वाइट कलर की, जो कि अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, तो इसके लिए आप यहाँ से फिर से राइट क्लिक करके इंटरप्रेट फुटेज में जाएं और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्ट्रेट अनमेटेड, इसको मैं जैसे ही चेक मार्क करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो एज है, पहले जो है एज वो ठीक नहीं लग रही थी, अब देखें कि इसकी एज बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो अब ओके करते हैं। अब आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं, अब आप फ़र्क देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, मैं अंडू करता हूँ, फिर से रिडू करता हूँ, अंडू और फिर से रिडू। ओके गाइस, तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।